तो दोस्तों अभी से लगभग 48 घंटे पहले राजस्थान के अंदर जो है वो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई थी कि जो स्कूल्स हैं उनको जो है वो 2 अगस्त से खोला जा सकता है। लेकिन अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले 2 दिनों के अंदर भारत के अंदर अगर कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो जितने पेशेंट इस बीमारी से सही हुए हैं उसकी बजाय ज़्यादा पेशेंट जो है वो नए कोरोना पॉजिटिव जो है वो आ गए हैं, जिसकी वजह से बात करें तो इसका जो असर है वो राजस्थान के अंदर भी आपको जो है वो स्कूल्स खोलने के ऊपर कम से कम जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आज जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा एक बड़ा बयान जो है वो जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल राजस्थान के अंदर जो स्कूल है वो 2 अगस्त से खोलने का जो निर्णय है उसको जो है वो स्थगित किया गया है। साथ ही साथ बात करें तो एक 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है, जिसके निर्णय के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद जो है वो ये निर्णय लेंगे कि स्कूल्स को जो है वो खोला जाए या फिर नहीं खोला जाए। आपके इसके ऊपर क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।